नाबालिग बच्चों के शव मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका। यूपी के रामपुर में नाबालिग बच्चों का लगातार शव मिलने का सिलसिला जारी है, जिससे जिले में सनसनी मची हुई है। कल शाहबाद के मितरपुर गांव में गन्ने के खेत में एक नाबालिग लड़की का शव मिला है, तो वहीं आज मिलक क्षेत्र के रोराकला गांव के जंगल में एक नाबालिग बच्चे का शव मिला है। दोनों मामलों में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और शव को पीएम के लिए भेज दिया है। नदी किनारे झाड़ियों में मिला किशोर का शव, मंगलवार की शाम 5 बजे से गायब था मृतक। रात भर खोजबीन करते रहे परिजन। आज सुबह 8:30 बजे रोरा खुर्द के समीप नहाल नदी के किनारे झाड़ियों में मिला शव। मृतक की पहचान रोरा खुर्द निवासी गेंदनलाल के 8 वर्षीय पुत्र अमर के रूप में परिजनों ने की। परिजनों के अनुसार अमर कल शाम 5 बजे घर से खेलने के लिए निकला था। देर शाम 7 बजे तक जब वापस नहीं लौटा तो उन्हें चिंता हुई और उन्होंने अपने स्तर से उसकी खोजबीन की। रात 9 बजे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने रात भर मृतक की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। सुबह 8:30 बजे नदी किनारे शौच को गए किसी व्यक्ति की नज़र झाड़ियों में पड़े शव पर पड़ी। खबर पाकर परिजन मौके पर पहुंचे, मृतक का शव को लेकर सरकारी अस्पताल आए। कहाँ रहते हैं आप? छोटे रोरा खुर्द में। ये बच्चा कब से गायब? सुबह 7 बजे से। ढूंढा आपने? जी, पूरी रात हो गई ढूंढते ढूंढते, और जहाँ ढूंढ के आया वहाँ मिला ही भी नहीं, और फिर वहीं पे मिला, फिर पड़ा हुआ सुबह के टाइम। अभी यहाँ जब बच्चों ने बताया। क्या लगता है आपको, कैसे हत्या की गई है बच्चे? ये किसी ने मारा आए थे, टेटुआ लगा के मारा आए थे, मारा भी है, टंटी पत्थर छपी हुई है उसके साथ। किसी को कुछ शक है आपको? हम पे किसी पर शक नहीं, हमें किसी पर शक नहीं।